हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने शाम के थोड़ी से व्रत के आलू की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने हरे मसाले में क्या क्या लिया है फटाफट से बता देती हूँ। तो हरे मसाले में हरी धनिया, दो टमाटर, जीरा और लाल मिर्च जो कि 3 से 4 थी। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपको ज़्यादा तीखा है पसंद है तो जैसा भी, तो उसको मैंने पीस लिया है। तो पीसने के बाद मैंने जो आलू है वो 75% उबाले हैं, 25% हमने कच्चा रखा है। तो घी डालेंगे, घी डालने के बाद उसमें ये पिसे हुए मसाले डालेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे 1 मिनट। उसके बाद ये उबले हुए आलू जो कि हमने इस तरीके से कट किया है उसको डाल देंगे और हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो ये पानी में मिले हुए मसाले हैं वो अच्छी तरीके से आलू में चले जाए और जो 25% हमारा कच्चा आलू है वो भी पक के तैयार हो जाए। ऊपर से खाने वाला नमक डाल देंगे ताकि आलू जल्दी पक जाए। और आलू को हम कम इसलिए उबाले थे कि अक्सर हमारे जो व्रत का आलू होता है वो अधकच्चा न होने की वजह से ज़्यादा पका होता है तो वो गलने लगता है और अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब मेरे जो ये देखिए, इसका सब आलू अलग अलग है और देखने में बहुत ही अच्छा है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इस रेसिपी को आप इस नवरात्रि में ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, हम लोगों ने खाया। और जिनको भी आप ये बना कर देंगे वो ज़रूर से आपकी तारीफ़ करेगा। और ये कम इंग्रेडिएंट में बनने वाला है और बहुत ही फास्ट बनने वाला है। बस आपको आलू को उबालते वक्त ध्यान रखना है कि आपको आलू को पूरा एकदम उबालना नहीं है, गलाना नहीं है, सिर्फ 75% ही उबालना है। 25% आपके जो मसाले के साथ भुनेंगे तब पक जाएंगे। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप इसको ज़रूर से बनाइए। और अपने इस नवरात्र में जो भी आपके घर में है या फिर आप हैं नवरात्रि में व्रत, तो आप ज़रूर से ट्राई करिए। सिंपल सा आलू का टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला है। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी नवरात्रि।